नमस्कार, माय किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने दाल की नमकीन। चना दाल की नमकीन जब बनके तैयार होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता लेकिन अच्छी बहुत ही लगती है। ये हमने एक कटोरी दाल ले ली थी, साफ करके अच्छे से पानी से धुल के, साफ पानी में दो बार धुल के हमने रात को भिगो दी थी। इसमें हमने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के ओवरनाइट के लिए हमने भिगो के रख दी थी। सुबह इसे निकाल के साफ करके छन्ने के सहायता से पानी निकाल के एक सूती कपड़े पे हमने फैला दी थी, तो इसका पानी सूख गया है। देखिए, छूने से पानी मेरे हाथ में नहीं लग रहा है, इस तरह से सूख जाना चाहिए पानी। इसे धूप में नहीं सुखाना है, पंखे में भी नहीं सुखाना, इसे सूती कपड़े पे पानी सुखाना है, हाथ से पानी पोंछ लेना है कपड़े की सहायता से। चने दाल नमकीन बनाने के लिए तेल को हमको हाई गरम करना पड़ेगा और निकाल के दाल को इसमें डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे सारा तेल। उसके बाद इसमें डालेंगे, इससे ऑयल निकल जाएगा धीरे धीरे। फिर हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर डाल दिए हैं, इस पर फैला देंगे कि जो हमारा बाकी का तेल जो है और हमारा एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब इसी में कवर हो जाएगा। पहले मैं एक कढ़ाई रखूंगी, कढ़ाई उचित होनी चाहिए क्योंकि ये इसमें तेल में डालेंगे इसे दाल को तो ये बाउल बनेंगे, ये उछलेगी ऊपर। पहले मैं कढ़ाई में दाल को पकाती हूँ, उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। दाल पकाने में समय लगता है। ये हमने कढ़ाई रख दी, इसमें तेल भी डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है, ये हाई गर्म हो जाएगा तभी इसमें हम दाल डालेंगे। ये हमारी नॉर्मली छन्नी है, इसी से हम निकालेंगे दाल को। तेल हमारा हाई गरम हो गया है, थोड़ी सी दाल लेंगे, डालेंगे कढ़ाई में। एक बार चला दूंगी इस तरह से, दाल पक के ऊपर आ जाएगी तैर के। अच्छे से दाल ऊपर आ गई तैर के, एक बार और चला देती हूँ इस तरह से, दाल पूरी सारी तरफ चारों तरफ से पक जाए अच्छे से, कुरकुरी होने तक पकने देते हैं जी। सभी दाल को निकाल लेंगे इस तरह से, मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, अब दोनों हाथ से करेंगे तो पास में छन्ना लेके निकाल लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। सभी दाल को निकालेंगे हम, अब हम दूसरी दाल डाल देंगे इसी में। एक बार चला देंगे, ये भी दाल ऊपर आ गई तब चला देंगे इस तरह से। एक बार की दाल पकाने में 5-6 मिनट लग जाते, उसी प्रोसेस से ये भी दाल निकालूंगी इस तरह से। अच्छी दाल पकने में 5-6 मिनट लगते हैं, इसी तरह से सारी दाल को हम पका लेंगे। सभी दाल हमने पका ली है, ये देखिए, जब हम इस तरह से उछालेंगे छन छन की आवाज आए, समझ लीजिए मेरी दाल अच्छे से पक गई है। ये हमने सारी दाल पका के तैयार करके रख ली है, अब इसमें मैं मसाला ऐड करूंगी। ये हमने मसाले निकाल के रख लिए हैं, ये गरम मसाला है, गिर गया नीचे। ये लाल मिर्ची पाउडर है, चाट मसाला, ये सादा नमक, ये गरम मसाला, ये काला पिसा जीरा, भुना जीरा, आमचूर पाउडर, पीसी खटाई। अब हम एक बाउल में रखते हैं, बड़े बर्तन में, जिसमें हम मसाले मिलाएंगे।
अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करने जा रही हूँ। ये सादा नमक आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, ये काली मिर्च पाउडर ये आधे चम्मच से भी कम, चाट मसाला आधा चम्मच, भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच। अब हम अच्छी तरह से इसमें मसाले सारे मिलाऊंगी। बहुत ही अच्छी बन गई है। सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिए हैं इसमें। देखिए, देखो दिखते हैं मसाले। अब ये मेरी नमकीन तैयार हो गई है चने दाल की। ये हमारी नमकीन बनके तैयार हो गई है। ये एक किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, एक डेढ़ महीने खा सकते हैं आराम से। ये हमारी चने दाल की नमकीन, ये चना दाल की नमकीन बनके तैयार हो गई है कुछ इस तरीके से। देखिए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खस्ता बनके तैयार हुई है, क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए इसी तरह से। दाल को जब रात में हम भिगोते हैं तो बेकिंग सोडा जरूर डालते हैं, नहीं डालेंगे तो हमारी दाल जो है सख्त बनके तैयार हो जाएगी। और जब हम तलते हैं तो तेल बहुत ही हाई गर्म होना चाहिए, तभी हमारी दाल, चना दाल की नमकीन अच्छी सी बनके तैयार होगी। इसी तरह से बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। चने दाल की नमकीन रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।